सब आगे में जाइए सर प्लीज। आपकी खुशी है सर सर गुड पूरा गांव ही मिथिला गांव है पूरा इसमें आपने अभी देखा होगा हमारा लेटेस्ट है हमारा पूरा गांव में 20 दिन में हर गांव में शौचालय जय गुरुदेव जय गुरुदेव पानी असली जो हो गया था वो सब ठीक हो रहा सब ठीक हो रहा है पूरा पूरा सही काम कर रहे हैं अब सबका हाथ सब ठीक हो रहा है ये पैदा देखेंगे यहाँ पर है एक मिनट आपका डिलीवर पब्लिक स्कूल वो हम जाने हैं जो हर कहा कि वहाँ जाएंगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब है 500 बच्चे क्या ब्राइट लग रहे हो तुम लोग वेरी गुड सर मोबाइल से सब लोग खुश हैं जय गुरुदेव साइड पकड़ लो यार बड़े आप लोग सच में सेवा कर रहे हो भाई इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं आप ये पानी जाएगा गंगा जमुना में दूषित हो गए ना बिल्कुल है फॉस्फोरस भी है नाइट्रोजन है पोटेशियम है खाकर ही काम करता है गुरु जी यूवी चैम्बर से निकलने से सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे सारे बैक्टीरिया 10 VOD है इसमें वास्ते कहा कि मानक है 30 VOD इसमें 10 VOD उससे कम तो कोई फायर फायर होते ही नहीं आता ये जो पानी का आपने किया ना यूवी चेंबर लगा ये तो बहुत बड़ी रोहित पीछे कर तो पहले हो गया मैम पीछे चलता है कोई नहीं आने दो मैम तो क्या गुरुदेव 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 एक बार गुरुदेव गुरुदेव यहाँ पे फोर्स करके निकालेंगे सर एक बार install this machine. This is in see, open the door and turn the lever. We put the new napkin inside it and start the switch button. After 20 minutes, the used napkin will come.
converting to ash and the ash will collect it in this ash tree. टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है तो यहाँ पर ओपीडी फैसिलिटीज हैं, 500 रुपये में हम दवाई देते हैं, जो लोग दे सकते हैं उनको, अदरवाइज जो नहीं दे सकते फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन इसके एग्जाम। और यहाँ पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सारे किए जाते हैं। हम लोग 4 है लेकिन शौचालय हमारे 9000 सर, यहाँ से आगे बढ़ेंगे सर, पीछे आइए सर, एक बार पीछे थोड़ा कैमरा पीछे, हाँ फिर जाएगा ऊपर एक बार सर, मैं पानी बढ़ रहा हूँ सामने बहुत ही अच्छे देखिएगा इधर और स्माइल आइए नहीं हिलिए नहीं घंटू भाई बस इतने में इतना ही सही है भाई, आगे में जाइए प्लीज भैया, आगे में जाइए प्लीज, रूम आगे लाइट भी कोई इधर से आए भैया पीछे आ भैया, क्रॉस मत पकड़ो प्लीज भैया, क्रॉस मत पकड़ो प्लीज, जो पानी डाले सब बाहर जाए, इतना ही पानी चाहिए, प्लस कर लोग कहते पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, अच्छा अच्छा एक प्रकार का होता है। जब की सपना नहीं देखते थे लोग उस टाइम, यही कहता है कि बेंदू पहले कहा गया है उसने सुनशुद्धि में अमेरिका में ऐसे डबल स्टोरी होते थे, ऊपर में मैनेजर साहब लोग जाते थे, नीचे मस्जिद जाते थे, हमारे युग में एक गंदी प्रथा थी यूरोप में, ये तो हॉलैंड का है लेकिन अन्य शहरों में भी यही था कि शाम में अंधेरे में ऊपर से पसंद बर्तन गली में जो है फोर्ट्स हैं उसमें क्या क्या थे, जहांगीर महल पुष्कर का है, फतेहपुर सीकरी का है, ये गोलकुंडा का विश्व का सबसे बड़ा ये हर एक देश के हर एक भाषा का हम लोग अंग्रेजी में लिया है, जो अनेक फ्रांस वाले लोग एक बड़ी सी किताब बनाते थे उस पर अंग्रेजी किसी क्लास्टर किताब में नाम लिख देते, जैसे मतलब लिखा है और उनको रिमीडिएट करने के लिए परमिट पा लेता थे। इनके बारे में कहावत है कि जब भी बैठे करते हो लोग कहते थे क्या कि आप ऑडियंस दीजिए, तो आपके साथ just make this sketch anti clockwise 4-5 times if this is habited by couple of hours. ये कोई भी है, आप अभी देखिए ब्राह्मणों में जब भी शौचालय में जाते हैं तो जनेऊ के बाद में ये करते हैं, और अमेरिका में
साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कान को ऐसे स्क्वीज करिए, ये जो इसको स्क्वीज करने से आपका बॉल मोमेंट फास्ट हो सही। ये भी आप इसमें लगा दो। निकाल लेंगे और 40 घंटे होते ही हो जाएगा। ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है सर। तो ऑन द स्पॉट हम ऐसे इसको टेस्ट करें, इसके लिए हमारे पास सही है। राइट सर, हाँ 50-50% ओरिजिनल है और 50% है। ये क्या सोल्यूशन है? इंजिन ऑयल सर, इंजन ऑयल राइट। आज के डेट में तो बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब जगह पूरा किसान एग्रीकल्चर सारा चीज जो है आधार बदल जाएगा इसका। हाँ और ये 100% तो सुना इट मस्ट टेस्ट तो जी हाँ, बट ऑन द स्पॉट पर मतलब जो है तुरंत आप ऑन द स्पॉट पर पता लगा रहे हो वेदर इज राइट और रॉन्ग और एडल्ट्रेटेड जो भी है इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एडिटिव डाला हुआ नहीं है। सो वी टेस्ट देम ऑन प्लांट्स, सो लाइक व्हाट द न्यूट्रिएंट्स दे कैन क्रॉप एंड इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ प्लांट सॉइल। एंड सो वी हैव डन टमाटर एक्सपेरिमेंट, सो वी हैव कट ये दिखा लो यहां पर सम सैंपल्स। हां यू कैन सी रेड कलर, यस यस यस। वाटर हाइसिंथ इसको है कि आप पाउडर बना करके डाल दीजिए उसमें यदि प्लांट में, तो गैस जो है 4-5 बन जाता है। अच्छा अच्छा। एक गाय हो एक बछड़ा हो जी तो गैस में लगा सकते हैं। हाँ सभी को मेरा नमस्कार। और स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम एक ऐसी सामाजिक क्रांति उपस्थित की है जिसके माध्यम से हमारी
जीवन दिशा सुदृढ़ हुई है और जीवन और जगत के प्रति विध्यात्मिक विकसित कर विश्व समाज सर गुरुदेव प्रशस्ति पत्र सर के सम्मान में हम साप्रेम भेंट करते हैं गुरुजी गुरुदेव सामने गुरुजी गुरुजी सामने गुरुदेव संयोग से धरती पर आए हैं और ऐसे लोग धरती पर कम आते हैं एक रेडियंस से इनका सभी सभी जो सूरत के अलावे जो हमारे लोग आए हुए हैं सब इनका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं पैर छूने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और जो महत्वपूर्ण बात ये है कि कल हमारे लड़की के लड़के का तो नाती का जनेऊ था तो जनेऊ में लड़ा था मुझे और कल था टॉक में शादी थी चार लड़कियों की जो तो हमने अभी गुरुदेव ने देखा है तो लड़कियाँ तो शादी में नहीं आई हैं कुछ लड़के आई हुई हैं तो उनके शादी में जाना था उनको और आज यहाँ प्रोग्राम जाना था तो अब इतनी समस्या विकट हो रही थी और जहाज विलम्ब हो गया जयपुर का तो हमने गुरुदेव का स्मरण किया कि गुरुदेव अब आप ही बचाइए दूसरे कोई उपाय नहीं है और देखिए कल हम जनौबी में गए वहाँ पहुँचे हम 12 बजे दो बजे शादी में रहे लगभग 3-4 बजे लौटे जयपुर और फिर गुरुदेव का स्मरण किया जहाज में पथ हो जाए आज तो जहाज जब टाइम पर आया पहुँच गए हम और फिर गुरुदेव का चरण आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पहुँच गए तो गुरुदेव की कितनी शक्ति है इसको देखिए कल हमने कई बार स्मरण किया है क्योंकि कहीं गड़बड़ कुछ हो जाए हमको और तीनों प्रोग्राम ऐसा टाइट प्रोग्राम था तो सभी आप लोग आए हैं अब समय नहीं है उनका आशीर्वाद लेना है एक बार पुनः गुरुदेव जी का हमारे धरती पर जब चरण पड़ गया हम तो 50 वर्ष से लगे हुए इस काम में 25 वर्ष का था उस समय से इस काम में लगा था कई बार चर्चा कर चुके कितना कठिन काम था एक ब्राह्मण परिवार से आते हुए इस काम करने के लिए आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया उन लोगों को उन लड़कियों को जो 6 वर्ष के 7 वर्ष की लड़कियाँ थी आज 17-18 की हुई है और महिला होती थी तो उसको ऐसा बदल दिया समय नहीं है चर्चा करने का तो ये है कि हम जो सुलभ का है कि जो समस्याएँ देश की है उसको हम लोग समाधान लगे हुए हैं गांधी कहना था 1 ounce ऑफ एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन 10 ऑफ नॉलेज जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि यह मत पूछो कि देश ने तुम्हारे क्या काम किया है यह पूछो कि तुमने देश के लिए क्या काम किया है तो महत्वपूर्ण बात यह है और अभी हम गुरुदेव के आश्रम में गए थे इतनी खुशी हुई हम लोग रात वहीं गुजारे देखा इतना हजारों शिष्य थे उनके गुरु जी के दर्शन के लिए हमको मौका दिया अपने साथ बैठने का दो बात कहने का भी इतनी खुशी हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अहंकार को हम लोगों ने समाप्त किया हुआ यहाँ पर बिना अहंकार के अभी हमारे जो लोग हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए जब कभी अहंकार करते हुए दुख होता है कि भाई इतना मेरे साथ रहने काम करने के बाद किसको अहंकार चल जाए तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ अब्राहम लिंकन वो जो राष्ट्रपति हुआ तो उसको पहली बार जब सेनेट में गया तो एक सेनेटर ने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आपको पता है कि आपके पिताजी मेरे पिताजी का जूता सीते थे तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया यस मिस्टर सेनेटर मेरे पिताजी अच्छे कॉबलर थे अच्छा जूता सीते थे और मैं भी अच्छा कॉबलर हूँ तो जूता सिलवाना आपको हो मुझे भेज दीजिएगा मैं जूता सी दूंगा तो ये सीखना है हम लोगों को ये सीखना है गुरुदेव के जो शरण में आप सब लोग हैं
गुरुदेव क्या भी शिक्षा दिया, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, कैसे अच्छे से रहोगे, अहंकार नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, दूसरे को हेल्प करोगे, कितने 56 60 कंट्री से उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों लाख लोग हैं जो देखने के लिए तो यहाँ पर कितना रुका गया तो अभी लोग यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप आए, बहुत ही अच्छा लगा, आपका चरण यहाँ पड़ गया, आपने एक बार देख लिया थोड़ा सा हम लोगों का, बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी पत्नी भी साथ में है और वो भी बहुत खुश है, वहाँ भी गई थी आपका दर्शन करने के लिए, चूँकि वास्तव में हम तो परिवार समय नहीं दे पाए, हम तो आश्रम से गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन रहे आप ही कैसा कि हम न बच्चों को देखा न परिवार को देखा, हर दो समाज में लगते रह गए। आप आज आ करके मेरा जो है जीवन पूरा कर दिया, हम बहुत बहुत आपके अनुभवित हैं, आभार प्रकट करते हैं सारे उसके परिवार की ओर से, हम एक आपको प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वचन हम हरदम बना रहे, इसी आशा के साथ एक बार आपका अनुरोध करते हैं कि आप कृपया आशीर्वचन के दो शब्द करें। कृपया ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्ते निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते। निशा, हमारे अति प्रिय विंदेश्वर पाठक जी, अमोल जी पाठक जी, सुलभ परिवार के आप सब सदस्य यहाँ जो एग्जीबिशन अभी हम देखने गए देखे आए, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, एक अद्भुत एग्जीबिशन बनाया आप। कर्मयोगी है, कर्मयोग के साथ आपने भक्ति भी जोड़ ली, देखिए वृंदावन के आप सब माताएं, सब राधा राधे रानी सब आई हुई हैं यहाँ, इतने राधाएं हैं, भक्ति भी जोड़ा फिर ज्ञान भी जोड़ा, आपका जीवन भी बढ़ा अर्थपूर्ण अर्थ गर्भित जीवन है आपके, जीवन का जो कहानी एक एक बार सुन, एक एक दिन का सुन आप सुनाते रहते हैं तो वो बड़ा रस आता है उसमें, एक एक इंसिडेंट्स आपके जीवन में कैसी कैसी हालत में आपने एक मिशन को, एक विजन को, एक अपने सिद्धांत को लेके चले और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, आपको बधाई है, आप सतायुषी रहे, आपके ये जो मॉडल आपने बनाया यहाँ पर उससे सब कुछ, दिया भी जल रहा है, मोटर भी चल रही है, पानी भी मिल रहा है, माने जीवन के लिए जो जो साधन सामग्री चाहिए वो सब आपको मिला, प्रसाधन से लेके प्रसाद तक, या प्रसाद से लेके प्रसाधन तक, जीवन की दिनचर्या में जो जो हमको आवश्यकताएं हैं वो सब पूरा करने के लिए आप आगे बढ़े हैं, भगवान ईश्वर आपके साथ, जैसे आपने आपका अंत में ही बताया ईश्वर बसा हम सबके दिल में, कहीं ऊपर नहीं है, और ईश्वर प्रेरित होकर के ही ऐसा काम हो सकता है, नहीं तो ऐसा काम असंभव है, बहुत श्रेष्ठ काम है, उत्तम काम आपने ये किया है, मैं यही चाहूँगा ये और बड़े गांव गांव में ये फैले, भारत को ऊपर उठने के लिए बहुत आवश्यक, भारत के गांव गांव में ऐसे सुलभ शौचालय हो, अपना आर्ट ऑफ लिविंग में भी ये 5H प्रोग्राम में ये एक है, हाइजीन एक एच है, जब व्यक्ति अंदर से प्रेरित होता है तो वो कुछ भी करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। तो अभी एक युवा 20 दिन पहले, अभी एक महीने पहले संकल्प लिया, 20 दिन में उसने 365 घरों में टॉयलेट बना डाला, ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया एक गांव के, ऐसे कितने युवा हैं हमारे देश में, सभी युवा जुड़ जाएं, इस तरह के काम में लग जाएं, देश को स्वच्छता अभियान में जुड़ जाएं, महात्मा गांधी जी का बहुत दुआ है आपके साथ, ईश्वर की दुआ है, आशीर्वाद है, आपने हमारी संस्कृति, हमारे जो
परंपरा का जो गौरव है उसके साथ आधुनिक जीवन में जो हमें जरूरत है, बिजली पानी इन सब को स्वच्छता के रूप में आपने वो एक मॉडल बनाया, टेस्ट कर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से टेस्टिंग हो रहा है, ये बहुत श्लाघनीय है। योग में नियम में सबसे पहला नियम है शौच, शुचित्व रखना, अंदर की स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता, और संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सारा नियम यहाँ चल रहा है आपके, आप लोग स्वाध्याय भी कर रहे हैं, आपके चेहरे में संतुष्टि तो दिख रही है, खुश है सब लोग। शौच, संतोष, तप, ये बड़ी तपस्या है, तपस्या के बिना ऐसा काम नहीं हो सकता। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भक्ति है, भाव है। इतने सारे महिलाएं वृंदावन से आई हुई हैं, दिन रात बैठ के कीर्तन करती हैं और सबको आशीर्वाद देते रहे। आप सब लोग प्रसन्न रहिए और सबको आशीर्वाद देते रहिए। हमारे प्रयत्न से जो हम नहीं कर पाते हैं वो प्रार्थना से जरूर हो पाता है, इसलिए कुछ लोग प्रयत्न में लगे, कुछ लोग प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, आप लोग प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, करते रहिए। इतना ही कहूँगा मैं। अभिनेश्वर जी को फिर अभिनंदन दूंगा, बार बार इनको कितने भी अभिनंदन दे तो काफ़ी नहीं है, ऐसा प्रसन्न व्यक्ति और सब में ऐसी प्रसन्नता और देश को स्वच्छ रखने का, स्वच्छ करने का लाने में आपका प्रयास अति श्लाघनीय है। आपको आपकी उम्र अच्छा, आपका दीर्घायु हो और आप स्वस्थ रहे, इतना कह के आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। ओम शांति। चारों एवं आशीर्वचन के लिए सुलभ परिवार आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहेगा। और अब मैं हमारे माननीय श्री एसपी सिंह सर के लिए कृपया संस्थापक महोदय देवी जी, माता और बहनों और मित्र, आज गुरु जी के का हम लोगों के बीच में होने से हम लोग धन्य धन्य होते हैं। ऐसा स्वर्गीय होने का आभास मालूम होता है कि आज कोई आ गया, भूला भटका हम लोग को मुख का द्वार दिखाने के लिए। कितनी प्रतीक्षा सर आपकी हम लोगों ने यहाँ पे की, कितने वादे किए आपकी विस्तार, सिर्फ आपका आशीर्वाद हो सर। सुलभ आंदोलन एक धर्म युद्ध है, यह लड़ाई कानून बदलने का सवाल नहीं है, यह वो युद्ध है जिसको गांधी ने शुरू किया था, जिसके पहले राजा राम मोहन राव ने शुरू किया 1772, 200 साल पहले, कुछ नहीं बदला। आज का समाज, आज का पतन, आज के लोगों का किस्सा, दलितों का दलित होना, दलितों का तकलीफ देना, वही रहा जो राजा राम मोहन राव की था, कुछ कानून नहीं बदला। गांधी जी उठाए, गांधी जी ने किया, गांधी जी भी नहीं काम हुआ, उसके बाद डॉक्टर विद्येश्वर पाठक जी साथ हम लोगों की एक लेगेसी है, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के गांव पर, उन्हीं के छोटे हुए काम को हम लोग करते हैं। हम लोग हमेशा यही कहते रहे कि ये धर्म युद्ध है, ये कानून का सवाल नहीं है कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिक की फैटर्निटी दे दे, इनको बराबर दे दे, लिखा हुआ रोज कानून बदला जा रहा है, एक कानून बदला दे कि उसको ठीक हुआ। और डॉक्टर पाठक के कहने से आधा दुनिया बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, प्रधानमंत्री किला से कहने लगे, जो कि डॉक्टर विद्येश्वर पाठक ने आरा के 50 साल पहले आरा के गड्ढे में कहा था, उन्होंने कहा शौचालय बनाओ देश बसाओ, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज सारी बात कही जाए। सर आप आ गए, हमारी दुनिया आ गई, हमारी आशाएं आ गई, ऐसा लगने लगा कि हम लोग अपने बात कर सकते हैं, कामयाब रहे। वाह, वाह, ठीक है, प्लीज़ अप।
साई। आप आ गए भारत रत्न में, आप हमारे भारत रत्न हैं। अरे गुरुदेव।